हे एवरीवान गुड इवनिंग वेलकम टू द क्लास सो सबको पता है आज क्या होने वाला है मिड टर्म मैराथन दिस हैजी द सीरीज हैज़ बीन स्टार्टेड आज का जो हमारा चैप्टर है इट्स बेसिकली हेरान्स फार्मूला सो हेरॉन्स फार्मूला का फर्स्ट सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली कॉन्सेप्ट किया है इन जस्ट टू थ्री मिनट्स क्विकली कॉन्सेप्ट को देखेंगे बिकॉज ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इस चैप्टर में यू ऑल नो इट एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट विद द क्वेज राइट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यू ऑल लव इट आई नो चलो फटाफट से क्विकली ज्वाइन द क्वेज यूजिंग दिस कोर्ट सिक्स टू थ्री सेवन फाइव फोर फाइव फाइव मीन बान वी कैन टॉक जब तक आप क्वेज ज्वाइन कर रहे हैं एंड वंस यू एव ज्वाइन द क्वेज लेट मी नो इन द चैट की मैम हमने ज्वाइन कर लिया है हाई पूर्णिमा फेवरेट चैप्टर फेवरेट होना भी चाहिए बहुत सिंपल है ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है राइट आई मीन आई वुड से हेरॉन्स में फ्री के मार्क्स हैं हाई तेजू सुमित गुड इवनिंग ब्रिज मोहिनी टंडन रफीक यू हैवन डन दिस चैप्टर इट्स ओके रफीक नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिविजन करेंगे हम रेडी विद योटुक्स एंड पेन्स क्विकली फॉर्मुला जॉट डाउन कर लेना मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस चैप्टर के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें कुछ कैलकुलेशन हैक्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बाद में याद नहीं रहती सो प्लीज नोट इट डाउन यस अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हाय हाय नीलम यू हैव यॉइंट हाय उत्कर्ष एपिक न से सस्ते में मार्क्स ले जाओ बिकॉज बहुत सिंपल चैप्टर है इसमें रियली गुड मेमोरीगुलरली कमिंग फॉर द क्लासेज हाय अनुष्का इट्स ओके ना गा बट स्टिल यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट येस फोकस करिए कोई भी आई I मीन mean, कोई भी कंफ्यूजन है कुछ बिकॉज यू वोट बी एबल टू राइट क्विज के लिए सॉल्व करना पड़ेगा बट एटलीस्ट यू कैन सी वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं यस अनुष्का धीरेन्द्रिशी एवरी वन सेन करो मुझे बताओ चैट में कि मैम ज्वाइन कर लिया है गुड इवनिंग बिग्नी गुडा यस देवराज जॉइन मेन्टी मोक्ष शिव शंकर दास क्विकली ज्वाइन द क्वेज यूजिंग दिस कोड सिक्स टू थ्री सेवन फाइव फोर फाइव फाइव सब इधर से आंसर सी आई टेल यू वन थिंग एक चीज है एक रूल होता है मेंटी का सबको याद है क्या रूल है हमने एक मेंटी रूल बनाया था किसको याद है यू हैड दी मैथ एग्जाम मेहक आई होप इट वेंट वेल ये जानकी जॉइंट मोक्ष सुमित ज्वाइंट एपिक नवनीत कौर बेटा लिंक नहीं आपको मेंटी डॉट कॉम पे जाना है आपको वहां पे कोड पुट करना पड़ेगा इट इज दिस कोड विच इज देयर ऑन द स्क्रीन सिक्स टू थ्री सेवन फाइव फोर फाइव फाइव वराज वेरी नाइस चैट के आंसर्स को कभी बिलीव नहीं करना ये हमारा मेंटी रूल है ये चैट इज इक्वल टू हा यू कैन से फेलियर अपने आंसर्स जो आपको लगता है यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ जॉइन गेम ऑन फराबत से क्विकली ज्वाइन द क्वेज एंड येस वन मोर थिंग लॉर्ड ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आई कैन सी ओ हि टूडे न्यू स्टूडेंट्स फराफट से क्विकली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बे आइकन ऑल्सो सी वी हैव रीच्ड ह्योर जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट ये एंड इफ यू वॉन्ट टू कम अपर इंटरेस्टिंग वीडियो या सो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को सी जितना हम ग्रो करेंगे मोर वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट सेकेंड थिंग क्विकली अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है क्विकली ये वीडियो लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो टेल देम ऑल्सो टू ज्वाइन द क्वेज सोचो कितना मजा आएगा योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो ह्योर या देवराज थैंक यू थैंक यू अनगा विकास गुड इवनिंग अदिति हाय प्रांचल दिस मंथ या दिस मंथ अभी बहुत दिन है मंथ में उससे पहले क्यों नहीं इट इज पॉसिबल इफ यू कैन हेल्प अस यस एपिक महामाया मुखर्जी हैप्पी बर्थडे वाओ इट्स योर बर्थडे स्टिल यू आर हियर वेरी सिंसियर यस एवरीवन प्रीति पिता एवरीवन चलो फटाफट से ललित त्यागी हाय थिंक यूर ऑल्सो न्यू हीयर प्रीति ललित फैजा येस जो भी न्यूज स्टूडेंट्स है चैनल फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन भी हिट करना है आपको नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट टाइम द्लास ऑन टाइम गुड इवनिंग रेनू ब्रिज मोहिनी वाओ दैट्स ग्रेट एजू फ्रेंड्स को भी बोलो वो भी आगे शेयर करेंगे ग्रेट थैंक यू ललितइट ऑल राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबने क्वेस्ट ज्वाइन कर लिया ये ग्रेट थैंक यू फैजा

इंटरेस्टेड ही नहीं होते पढ़ने में इज इट सो डन दैट्स क्रिएट थैंक यू एपिक यस रिद्धिमा ऑल राइट इन केस रिद्धिमा आई फॉरगेट यू विल हैव टू रिमाइंड मी अगेन, कल मैथ का एग्जाम था आई होप इट वेंट वेल बढ़िया गया यस देर वाज़ लाइव स्ट्रीमिंग अराउंड 8 8:15 यस आई वाज देयर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं एक्चुअली आई मीन जो रेगुलरली आते हैं उनको मैं एक्चुअली नाम से जान चुकी हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कल वहां पे नहीं देखा मे बी यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट सो डोंट वरी वी विल कीप डूइंग दैट बट आई वुड लाइक टू सी ईच वन ऑफ यू देयर इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन बिकॉज जनरली चैट में हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं आप सामने अपनी वीडियो ऑन करके वी आर टॉकिंग It's okay, Akshay. Quickly, better. join the quiz using this code six two three seven five four five five. Chalo, let's get started. Just came home. Trending serial talks, yes. New to the channel? Yes. Hi, Fizan. Yes, one more Fazan here. Fazan, trending talks. Quickly, subscribe the channel fast, and be ready with your notebooks and pens. Chalo, let's get started. Homework. I know. I know. School days I remember. We used to. We had lot of homework. तो मैं अपना होमवर्क आधा स्कूल में ही फिनिश करती थी हाई आर्यन नाइन ऑन ट्वेल्व नाइन नाइनटी वन ऑन ट्वेंटी आउट ऑफ टेन वाओ थैंक यू थैंक यू वैष्णवी वाओ दैट्स ग्रेट पूर्णिमा ऑल राइट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड हेरोन्स फॉर्मूला पहले क्विकली रिवाइज करते हैं राइट हेरों सो दिस इन फॉमुलाट द एर एनी का ट्राइंगलिस भी तरह के ट्राइंगल का एरिया ये फाइंड कर सकता है ये बेस्ट पार्ट है इस फॉर्मूला का एंड लेट सपोज मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी उसके साइड है ए बी सी आई डोंट नो वो साइड क्या है फॉर्मूला आई मीन इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है सबसे पहले आप निकालते हो सेमीपेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल दी साइड सेमीपेरीमी एज द नेम सजेस्ट उस पेरीमीटर का हाफ होगा दैट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू सो एस एस से डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर को एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं दिस इज द फॉर्मूला नहीं याद है प्लीज नोट इट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी येस एपिक यू आर राइट दिस इज द फॉर्मूला ये जानकी यस एवरी वन नो स्पैमिंग आपने आंसर दिया यस आई हैव सीन दैट एब्सोल्युटली करेक्ट सबको पता है सेमी सेमीपेरीमी क्विकली आई आई वांट थम्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू अगर ये समझ आ गया कि मैम सेमी वॉन्टीसरीमी क्या होता है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है नहीं समझ आया होगा तो क्वेश्चंस में डेफिनेटली गड़बड़ करोगे आई डोंट वांट यू टू डू इट फटाफट से बताओ यस पूर्णिमा हनी वाओ दैट्स नाइस अमेजिंग बिकॉज सॉरी आई कुड नॉट रीड द एंटायर कमेंट इट वेंट सो फास्ट यस When will Menti start? It has started. Abhi quiz. Another two three minutes, beta. We are starting. Yes, everyone. अच्छा यहाँ पे जितने भी students हैं chat में जो मुझे दिख रहे हैं, सबने subscribe किया है channel because कुछ new names भी हैं. Yes, Kanti. Devrat Singh. Yes. All right. All right. Clear है सबको. Great. Ravi. Yes. Great. Let's move ahead. Let's start with the quiz. So अभी जो भी questions आएंगे quiz में, पहले वो इसी पर based हैं आपके. Okay? okay. Ten questions are going to be there. टेन yes, क्वेश्चन है सब्सक्राइब किएस पेरीमीटर बेटा पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल दी साइड ना सो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन आती हैं? नाइस यस नवनीत

क्वेश्चन सोल्व करते हुए आराम से सोल्व करना कैलकुलेशन पे ध्यान देना क्योंकि सब बहुत चैप्टर है पर मार्क्स लूज करने का मतलब है कि आई मीन दैट केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं टेल मी द चैप्टर नेम फॉर एक्सरसाइज प्रांजल

कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं थी राइट सो वट हैपेंड कुछ भी नहीं था सिंपल क्वेश्चन था दो साइड्स गिवन थी आप एक निकाल सकते थे सेमी सेमीपेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके अगर इस इसमें भी गलती कर रहे हो ना आई एम टेलिंग यू आई एम टेलिंग यू अगर ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत दिक्कत होगी आपको सो so प्लीज़ नहीं टाइम कम नहीं है नवनीत एप्सोल्यूटली नॉट लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं येस चिपचरन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राएंगल इट द साइड ऑफ द ट्राइंगल एरिया आर सेवन सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर साइड गिवन है एरिया निकालना है डायरेक्ट फॉमुला पुट हो रहा है बट पहले सेमीपेरीमीटर निकालना पड़ेगा ऋषभ कुडी प्लीज टेल मी द चैप्टर नेम बेटर दैट वुड भी बेटर येस यू हैव टू फाइंड एरिया करेक्ट रिहान येस एरिया फाइंड करना पड़ेगा बट बी केयरफुल सी वैल्यूज भी कोई डिफिकल्ट नहीं है सिंपल वैल्यूज हैं टाइम भी बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मिला बिकॉज एक मिनट से ज्यादा ही क्वेश्चंस नहीं लेते मोर ओवर आपको ना स्टेटमेंट्स लिखनी है ना कुछ बस कैलकुलेशंस करना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर यस करेक्ट वैष्णवी वैश्वी सेमी सेमीपेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉमूला नीलम ऋषभ हेरस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यस आई होप ऋषभ आपने नोट डाउन किया था बेटा बिकॉज जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स बिफोर आई शोड यू फार्मूला क्या है यस इंजीनियर ब्रो अच्छा जो, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं एंड न्यू हर येस गुड इवनिंग गुड इवनिंग आभा ये टू प्रांजल नाउ ये हमारे हर सेशन में होता है सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट यस हाई आयुष्मान विनीत कुमार सा हाई सो जो भी न्यूज स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फटाफट से मिंटी ज्वाइन करो यूजिंग द स्कोर सिक्स टू थ्री सेवन फाइव फोर फाइव फाइव वेरी नाइस वेरी नाइस बी सी डी एज द आंसर ओम ऑल राइट येस हाई जूही चलो फटाफट फड़ से वॉट इज द आंसर ट्वेल्व रूट फाइव कुछ लोग को अभी भी कंफ्यूजन है सिंपल था सेमी पेरीमीटर निकालना था सबको एड करो डिवाइड बाई टू करो ऐसा आ जाएगा हिरोन्स फॉर्मुला में पुट करना था दैट्स इट आई नो कैल्क्युलेन्स में टाइम लगता है बट हमें उसमें प्रो होना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड राइट वी हैव वन मोर आशुतोष ह्योर हाई आशुतोष आई थिंक यू आर न्यू हियर और कमिंग फॉर द मैथ क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम सो अगर न्यू है टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट यू हैव ज्वाइन लेट you can join it using the code 62375455 yes indian forces thank you so abcd is a quadrilateral here angle b 90 degree AB ab 3 cm BC bc 4 cm cd 7 centimeter ad is 8 centimeter. find the area of the quadrilateral ka area find karna using the herons formula yes iranjan of course i do remember hi online classes yes ah uh, Love wow. so, कैसे निकालेंगे सिंपल है कैसे फाइंड करोगे इसको हेरान्स फॉर्मूला यूज करके सी डजन मैटर अगर 12.1 पॉइंट वन ही आ रही है ट्वेल्व पॉइंट टू नहीं आ रही है इट्स ओके okay. कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कहींयों का सीबीएससी बोर्ड है कहीं का स्टेट बोर्ड है तो so थोड़ा बहुत चीजें वेरी कर जाती हैं डेट वाई वी हैव के दिस क्वेश्चन येस कीपिंग ईच वन ऑफ यू इन माइंड सो इसको ट्राई करेंगे आपको क्या करना है आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता हैरान फार्मूला से आप एक ट्रैंगल फॉर्म करिए इसके अंदर

टाइम इज नॉट लेस पूर्णिमा सोनक हु इज सोनक्योर इज द फास्टेस्ट इज गॉट फाइ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेन थर्टीन पॉइंट्स एंड यश डॉक्टर सेंटपीड आर्यन शिवानश एलन जॉनी हेलो हाय उत्कर्ष आशरा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता लाइक सोनक य्योर इज ही आई यू ह्यर इन दी चार्ट ऑल्सो सोन वाओ दैट्स ग्रेट सी अभी जिन लोग का नाम लीडर बोर्ड पर नहीं भी है क्या करना है उनको अपनी रैंक्स बतानी है और इम्प्रूव कितनी हो रही है वो भी बतानी है Crafts, यार, नहीं है हमें हमें थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी पड़ेगी यहाँ पर आके हम ये मत सोचे टाइम लेस नहीं हुआ कि हमें अपना, अपनी स्पीड पे वर्क करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर फाइव सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर पेरीमीटर भी गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर एरिया निकालना है पेरीमीटर है दो साइड है पेरीमीटर है तो थर्ड साइड निकल जाएगी पहले थर्ड साइड फाइंड करो सेमी पेरीमीटर फाइंड करो एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ यूजिंग द हिरॉन्स फॉर्मूला अब्दुल हसीब वाओ अच्छा जो भी यहाँ पर अभी लाइक अब्दुल हसीब यू आर हियर कुछ न्यू नेम्स मैंने देखे हैं जो आज अभी आज इस क्लास में आए हैं हो सकता है यू माइट बी कमिंग फॉर अदर क्लासेस मे बी यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट क्लास टर्म इनाट ई लाइव हाई कमिंग फॉर द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी मैथ क्लास के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट येस वैष्णवी येस इजी वन चलो फटाफट से फाइंड कर दो फिर तो टर्मिनाटी यू आर न्यू right? राइट अब्दुल असीफ यू आर ऑल्सो न्यू करेक्ट नीफ आई एम रॉन्ग ये बालकरण ब्रार न्यू मैं गेस्ट कर रही हूँ मुझे कौन कौन से नाम यहाँ पे न्यू लग रहे हैं बिकॉज जो मैं रेगुलरली देखती हूँ तो मुझे याद हो जाते हैं यस मयंक मोनिका आई थिंक यू आर ऑल्सो न्यू ऋषभ हायदर्श सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं इब सब्सक्राइब टू द चेनल हिट द बेलाइकन ऑल्सो और अगर सेशन एंजॉय कर रहे हो मजा आ रहा है यस उमा ठाकुर मजा आ रहा है सो so, लाइक like भी कर दो फटाफट से yes. you are not. अगर कोई दूसरा नया वाला ऋषभ है तो बात अलग है अरे प्रांजल टाइम इज नॉट लेस बेटा फोर रूट थर्टी नाइन आई टेल यू वन थिंग एग्जाम के अंदर अभी तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल चॉइस है स्टेटमेंट नहीं लिखनी बस कैल्कुलेशन में फास्ट होना जरूरी है येस दि व्यांश गिटार किंग थैंक यू टर्मिनाटी येस मोहम्मद तोफीक सब्सक्राइब दि व्याश प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अच्छा मैं बताती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बार बार ये कह रहे हैं मैम टाइम कम लग रहा है मैं आपको एक चीज बताती हूँ एक अगर आप एग्जाम में सोचो एग्जाम में सोचो आपके पास लिमिटेड आवर्स होंगे बहुत क्वेश्चंस लेंदी वाले भी होंगे केस स्टडीज भी होंगी वन मार्क वाले क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो छोटे होंगे बट ट्रिकी होंगे आई I मीन mean, आप उसे सॉल्व करने में टाइम नहीं लोगे लेकिन आप उसको सोचने में टाइम ले लोगे So, जो आपके बेसिक क्वेश्चन है ना राधर प्लीज आप ट्राई करो कि आप उन पे अपनी स्पीड इंक्रीज करो स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी यस गौतम एडिट्स न्यू राइट राजा मेडिकल संतोष कुमार न्यू स्टूडेंट्स पता नहीं मुझे दूर से पता चल जाते हैं जो भी न्यू है ना फटा फटाफट से सब्सक्राइब द चैनल यस हाय आंचल गौतम एडिट्स यस ट्वेल्थ चलो रिविजन हो जाएगी थैंक यू ऋषभ सो so, प्लीज ये ट्राई करना सीरियसली आपको एडवाइस कर रही हूँ क्योंकि ये होगा आसान तरीका अच्छा आसान तरीका सब ढूंढते हैं पढ़ने का आसान तरीका क्या है यार आसान तरीका क्या है कि मेरे हंड्रेड परसेंट मार्क्स आ जाए मानती हूं मैं ठीक है एक है हार्ड वर्क एक है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क आप बिगनिंग से करेंगे ना बिगनिंग से मीन आपका अकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होता है अप्रैल वगैरह में किया अप्रैल मई जून तब समझ आता है जब ये एग्जाम टाइम आता है ना तब हार्ड वर्क नहीं तब स्मार्ट वर्क चाहिए इसलिए हम शुरू से बोलते हैं थैंक यू बालकरण ब्रार गौतम एड न्यू राइट

ऑनेस्टली आप में से कुछ लोग एग्री करेंगे मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है अपने सामने वो मैथ को भी पढ़ रहे होते हैं अरे ये तो आता है ये तो बस एक्स निकालना है प्लस कर देंगे ये हो जाएगा बहुत लोग करते होंगे कौन कौन करता है थम्स अप जो जो ये करते हैं मैथ को पढ़ते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रैक्टिस कभी कर ली कर ली बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अरे ये तो आता है ये तो पता है ये तो ऐसे होगा आई यू टू डू इट एज वेल मैं भी कोई अलग बच्चा नहीं थी सब करते हैं सब करते हैं बट आई एम टेलिंग यू टरली एग्जाम टाइम पे फंसोगे बहुत बुरे वाला फंसोगे और ये वाली चीज होगी आप कहोगे गए का टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन आते थे स्टिल आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम प्लीज आपने दस बार भी किया हो ना आई वुड राधर सजेस्ट यू आप उसको दोबारा करो लिख कर ही करो लीनियर इक्वेशन समन लॉस्ट करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे बेटा सारे चैप्टर्स मिड टर्म मैराथन में सारे चैप्टर्स आएंगे यस न्यू राइट समन लॉस्ट पहली बार है क्लास के लिए यहाँ पे वेरी नाइस प्रैक्टिस करो लिख के करो थोड़ा सा आप लेजी फील करोगे बोरिंग भी लगेगा लगता है सबको लगता है बट स्टिल आपको खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं मुझे लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है नॉट फर्स्ट टाइम ऑल राइट चलो लेट्स मूव अहेड करीना ऑल राइट ट पूर्णिमा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन आइसोसलिसक्वल है पेरीमीटर एटीन है तो बाकी दोनों साइड होंगी वो सेम ले की होंगी वो सेम ले फाइंड करो सेमी पेरीमीटर फाइंड करो एंड देन एरिया निकालो ये सार्थक ट्रस्ट मी इतना ईजी चैप्टर है स्टार्ट होने से पहले तुम सबने बोला कि मैम बहुत ईजी चैप्टर है इसमें तो कुछ नहीं है इसमें तो फ्री के मार्क्स ले जाओ थैंक यू आर्यन सिंह सार्थक करीनाषभ रावत करीना डन डन ईजी वन यस नंदिनी यू आर ऑल्सो डन विद नंदनी सी यू ह्यूअर इन द माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम So, जो भी, because यहाँ पे भी पे दो ऋषभ है जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज सी yes, कौन सा अब सही है इसमें से? Oh, correct answer is 12. And काफी लोग ने गलत आंसर दिया है इसका यस yes? आज ही है कार्तिक आज ही है टेंथ का सेशन कहीं नहीं जा रही हूं मैं डोंट वरी इट्स लाइक स्टीलिंग मार्क्स बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं था सेमी पेरीमीटर क्या आना था नाइन आना था राइट right. बाकी दोनों साइड्स आप निकाल सकते थे दोनों को एक्स एक्स लेट करके करेक्ट सारी साइड्स हैं सेमी पेरीमीटर है बस फॉर्मूला में पुट करना था कुछ था ही नहीं यार इसमें भी इसमें भी गलती कर रहे हो गलती क्यों कर रहे हो कैलक्यूलेशन की वजह से राइट कैलक्यूलेशन फॉर ग्रेड नाइन्थ अच्छा ये नेक्स्ट क्लास कब होगी क्या टाइमिंग होगा टेंथ का कब होगा क्या है इसके लिए क्या करना है मैंने क्या बताया था यस नंदनी यू आर न्यू सब्सक्राइब टू द चैनल क्या करना है क्या करना है तो मेरे स्टूडेंट्स ही बता देंगे जो रेगुलरली आते हैं यस करीना वाओ रिफ्रेश अनुष्का रिफ्रेश थैंक यू ऋषभ टर्मिनाटी लाइव मिक्सड है बेटा मोर और लेस यस क्या करना है सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को हिट करना है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे सेशन कब होता है कौन सा होता है कौन सा टॉपिक होगा एवरीथिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यस हाय शिखा अग्रवाल न्यू हियर न्यू स्टूडेंट्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो मैम रूट निकालना बता दो मेरा आंसर सही आ रखा है मैं रूट नहीं अच्छा रूट निकालना आई टेल यू वन थिंग अच्छा यहाँ पर आई वॉन्ट एबल टू राइट रूट्स कैसे निकालते हैं ये छोटी छोटी आई मीन मेथड मैं बोलूँ एक्चुअल मेथड ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्टकट मेथड डोंट वरी ये सब आपको चैनल पे मिलेगा कई लोग ने ट्रिक्स देखे भी होंगे राइट मैथ के ट्रिक्स वगैरह आई नो इट हेल्प अ लॉट स्पेशली जब हमारे को कैलकुलेशन फास्ट करना होता है सो डोंट वरी सब मिलेगा आपको हाय मनोज रॉनी किंग गेमिंग अभी ज्वाइन किया है चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर सिक्स लेट्स टेक अ लुक क्लास टेंथ का लाइव आज ही है डोंट वरी द एरिया ऑफ अ स्क्यर इज थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर स्क्वेयर का एरिया दिया हुआ है इफ द साइड ऑफ द स्क्यर इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्वी लेटरल ट्राइंगल देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालू मेरे पास इसकी साइड नहीं है कैसे फाइंड करेंगे स्क्वेयर का एरिया है स्क्वेयर की साइड निकल जाएगी जब स्क्वेयर की साइड आ जाएगी तो इक्वी लेटरल ट्राइंगल की भी साइड आ जाएगी बहुत बड़ा हिंट दिया है हिंट क्या दिया है? मैंने आपको पूरे स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिए क्या करना है यस ब्रिज मोहिनी टंडन सो ये थैंक यू मनोज सो ये ये छोटी छोटी चीजें होती है आपको कैलकुलेशन हैक्स बताए आपको कुछ ट्रिक्स कुछ शॉर्टकट्स बताए ट्रेडिशनल मेथड येस इंपॉर्टेंट है इंडीड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां शो करना है वहां तो ट्रेडिशनल मेथड ही चलेगा सो so, दोनों पे कमांड बनानी कमांड तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे सोच के नहीं लिख कर अरे वाह ये तो मैंने शायद कभी किसी को बताया ही नहीं यहाँ पर अभी हाँ मुझे आके बताना चाहिए ये ओके माई नेम इज़ खुशबू एंड आई एम अ मैथ एजुकेटर हियर ऑन दिस चैनल यस मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं अभी क्लियर है जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जयप्रकाश मैथिली सो जो भी यहाँ पे न्यू नेम्स दिख रहे हैं मुझे मैथिली जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं शिखा अग्रवाल प्लीज प्रगति पॉल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको नहीं पता होता ये सेशंस कब हो रहे हैं स्क्र दिस ने गलत दिया आ, see, confuse करना see, I told you. Yes, मैं करना मैं दोबारा बताती क्या में मेरे साथ साथ लिखो आई विल नॉट बी एबल टू राइट हियर मैं नहीं लिख पाऊंगी आप लिखिए साथ साथ स्क्र का एरिया थर्टी सिक्स है तो स्कोयर की साइड निकाल सकते हो क्या आएगा स्क्वेयर की साइड साइड विल बी सिक्स थैंक यू मैथिली साइड आएगी सिक्स सेंटीमीटर स्क्र की साइड आ गई है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड भी आ जाएगी वो भी सिक्स सेंटीमीटर यस क्लियर है करेक्ट उसके बाद एरिया निकालना रूट थ्री बाय फोर इन टू साइड स्क्वी लेटर एरिया पुट कर दो वहां पे क्लियर है समझ आ गया क्या करना था चलो लेट्स मूव अहेड नाउ लीडर बोर्ड देखते हैं फटाफट लेट्स सी कोई चेंजेस हुए हैं और स्टिल सेम पोजिशन है अच्छा क्या लग रहा है कौन होगा इस बारी हु इज गोइंग टू बी एट द टॉप यस सोनक एलन आर्यन शिवांश ओम जय जूडो उत्कर्ष जॉनी हिमांशी हफ्सा मैथ्स वाओ वाओ सोनक स्टिल यूर एबल टू मेंटेन दी पोजीशन वेरी नाइस अच्छा किस किस के रैंक्स इंप्रूव हुए फटाफट बताओ चार्ट में थर्टी वन टू ट्वेंटी अक्षय ट्वेल्थ टू इलेवेंथ वाओ वाओ नाइस सिक्सटीन देवराज इट्स इट्स कॉमन फॉर ऑल ऑफ द हिमाचल स्पेसिफिक नहीं है ये कांति इम्प्रूव्ड यस अक्षय आई हैव सीन यू ऑल यूर ऑल्सो यू आर सींग आर न्यू नाइन्थ फोर्टी एथ फोर्टी टू थर्टी फाइव ट्वेंटी वन हॉबीज एंड क्राफ्ट चलो कोई कोई एक्सेप्शनल केस होता है बट कीप ट्राइंग फॉर इट इट विल गेट बेटर इट विल इंप्रूव नहीं नहीं डोंट फील बैड चलते रहता है ये सब फटाफट एक साइड कौन सी है फोर सेंटीमीटर उस पर जो हाइट आएगी वो निकालनी है ऑल्टीट्यूड हाइट जो भी बोलो ये सक्शे या डोंट फील बैड डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है अक्षय वैसे लग नहीं रहा बट स्टिल न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ये इंग्लिश हैंड राइटिंग जोन हाई आई एम सींग यू हियर एज वेल फॉर द फर्स्ट टाइम अच्छा जो भी यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ये वीडियो लिंक्स एंड टेल देम आल्सो टू कम एंड जॉइन दी सेशंस आई एम श्योर दैट ये बाकियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज यू सी एग्जाम से पहले अगर हम चैप्टर कर भी चुके होते हैं बहुत आई I मीन mean, कि बहुत यूजफुल है ये बिकॉज आप कुछ क्वेश्चन करके आप खुद को टेस्ट कर पाते हो जनरली क्या होता है स्पेशली टेस्ट देना हम थोड़ा सा यू नो यू फील अ बिट लेजी अब टेस्ट कौन देगा बट यहाँ आके यू कैन एक्चुअली टेस्ट योर सेल्फ इन जस्ट अ स्पैन ऑफ आई वुड से फोर्टी फाइव मिनट्स की चैप्टर कितने अच्छे से आता है डन 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 सबका हो गया है वाह चलो लेट्स टेक अ लुक फोर रूट टू इज द आंसर दैट्स द हाइट हाँ जो स्मॉलेस्ट साइड पर है अब बाकी सब यू कैन सी बहुत लोगों का गलत आया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन right? भी आएंगे ऋषभ डोंट वरी सब आएगा थैंक यू इंग्लिश एंड राइटिंग जोन बट आई थिंक यूर न्यू ईयर जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब फर्स्ट नंदनी करेक्ट योर वॉज करेक्ट गौतम है रिट्स करेक्ट था पर क्लियर है ना सबको कैसे करना है राइट right? चलो लेट्स मूव अड नाउ टू द एथ क्वेश्चन येस अनंत करेक्ट था करीना ग्रेट फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरलोग्राम पेरलोग्राम बना लो पहले ए बी सी डी ए बी थ्री है बीसी फोर सेंटीमीटर है ए सी फाइव सेंटीमीटर है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया हेरॉन्स फॉर्मूला ही यूज करना है इट्स वेरी इजी येस आई अग्री कि हाँ लेंदी हैं क्वेश्चन बट एग्जाम में बताऊँ क्या होगा थ्री मार्क के क्वेश्चन होंगे फोर मार्क् के होंगे तब तो आपको लगेगा ठीक है यार एक क्वेश्चन करके तीन नंबर मिल रहे हैं चार नंबर मिल रहे हैं ठीक है ईजी वाले क्वेश्चन है आराम से मार्क्स भी स्कोर हो रहे हैं यहाँ पर आपको लग रहा है कि अरे इतना लंबा सॉल्व करूँ राइट और एम सी क्यू क्वेश्चन है बट ट्रस्ट में आपकी स्पीड बेटर होती है इससे और आपको पता होता है कि हाँ इतने टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम ये कौन है ये पहला कोई पहला बच्चा जो कह रहा है दिस चैप्टर इज सो टफ अच्छा कौन अग्री करता है वैसे इस बात से अदिति सिंह चैप्टर इज सो टॉर्मूला ये फॉर्मूला करेक्ट 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 यस नीलाम मैथिली नहीं है ना इजी चैप्टर है राइट यस शिखा सिंपल चैप्टर टाइम इज आप ऑल राइट सो आंसर ओवर इज ट्वेल्व वेरी इजी करेक्ट ट्वेल्व राइट आंसर था आई नो कई लोगों को लेंदी लगा होगा तो गड़बड़ हो सकती है यस हर्षित नॉट टफ ऑल राइट ऑल राइट टफ नहीं है क्वेश्चन इजी चैप्टर है इनफैक्ट ये ऑल राइट लेट्स मूव अहेड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन सो द एज ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड आर सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इज रुपीज डैश आपको एक ट्राइंगर बोर्ड है ट्राएंगल बना लो सिक्स एट एंड टेन सेंटीमीटर साइड्स है उसको पेंट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है वन सेंटीमीटर स्क्वेयर का ट्वेंटी फाइव पैसे है तो आपको एरिया फाइंड करना है फिर एरिया के बाद कॉस्ट निकालना है येस हाई भावना भावना एंड आई जस्ट सो अनाद

अच्छा, स्टिल वी हैव गॉट थ्री मोर पे ही बेस्ड है सिर्फ कॉस्ट निकालना है कुछ नहीं करना एरिया निकालना है और कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड दैट सेट इतना ही करना था यस ललित गौतम एडेट मोक्ष पटेजू करेक्ट हो गया राइट right? प्रगति डान उमा ठाकुर एवरी वन ऑल राइट ऑल राइट लेट्स मूव अहेड नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन अनुष्का रिफ्रेश बेटा रिफ्रेश करो एरिया ऑफ अ रॉम्बस शेप्ड बॉक्स इज सिक्स रूट सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वन डायगोनल इज सिक्स सेंटीमीटर फाइंड द साइड ऑफ द रॉम्बस आपको एरिया दे दिया रॉम्बस का फोर साइडेड फिगर है एरिया दे दिया सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर एक डायगनल भी दे दिया साइड निकालनी है की साइड कैसे निकालोगे टाइग्नल गिवन है एरिया गिवन है यस yes, कैसे निकलेगी साइड अदिति यस योर्स करेक्ट सिंपल क्वेश्चन है पता है ज्यादा बेटर क्लैरिटी कब आती है जब हम फिगर बनाते हैं आप बिना फिगर बनाए करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा इजी टफ इजी हर्षद स्क्रीन ब्लर हो रही है अच्छा दोबारा एक बार रिफ्रेश करो ओ अनंत। नेटवर्क इशू के चक्कर में आई नो सी नेटवर्क इशू चलते रहता है थैंक यू तेजू अरे हाँ चल इट्स वेरी सिंपल बेटा कोड यूज़ करके ज्वाइन करना है जो ऊपर कोड लिखा है ऑल राइट सो राइट आंसर इज फोर सेंटीमीटर सी ईजी चैप्टर है स्टार्ट होने से पहले आप सबने बोला था मैम ये चैप्टर बहुत इजी है बहुत ही सिंपल चैप्टर है इसमें कुछ नहीं है इसमें तो फ्री के मार्क्स ले जाओ राइट right? और अभी आप लोगों ने देखा कैलकुलेशन करते वक्त मोस्टली सबको सबको कन्फ्यूजन हो रहे हैं बिकॉज कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है अगर मैं आपको टाइम बाउंड ना करूं और सिर्फ क्वेश्चन दूं यू विल बी एबल टू डू इट यू विल बी एबल टू गिव मी राइट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस बट टाइम बाउंड करने की वजह से आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं राइट ऑल राइट कोई नहीं आपको क्या करना है आप बाद में भी इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करिए सेशन रहेगा यूट्यूब पे आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिए प्रॉपरली लिख के एंड देन सी वेर रॉन्ग कहां गलती हो रही थी चलो फटाफट से लेट्स टेक अ लुक एट द लीडर बोर्ड नाउ सोनक सोनक वाओ अमेजिंग थ्रू आउट यू एबल टू मेंटेन द पोजिशन हु इज सोनक चैट रूट देख के कंफ्यूज मत हुआ करो येस एटलीस्ट रूट तक तो आंसर सही लेकर आओ वहां तक तो ट्राई कर सकते हो वाओ नाइन्थ रैंक नाउ हो रॉनी किंग गेमिंग हॉबीज एंड क्राफ्ट ट्वेंटी वन गौतम एरियट्स इलेवन बेटर हो गई सबकी रवि किरण थर्टी वन वेरी सोनक ब्रिज मोहिनी टंडन मास खान कोई बात नहीं थोड़ा सा दो, दो का ही फर्क आया वाह दैट्स ग्रेट रिया कोई बात नहीं लास्ट वाला ही गलत हुआ ना सी जहाँ भी मिस्टेक्स हुई हैं जहाँ भी गलती कर रहे थे जहाँ भी लग रहा था ज़्यादा टाइम लगा है मुझे करने में प्लीज प्रैक्टिस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन बिकॉज आई नो आपके मिड टर्म्स पास है दीज विल भी रियली हेल्पफुल अच्छा बिफोर आई एंड आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर सम टिप्स विद यू क्योंकि आपको एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो इट विल बी रियली हेल्पफुल फर्स्ट थिंग इज पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर में प्लीज कंफ्यूज मत होना ध्यान से पढ़ना पेपर में यस yes, कि कभी पेरीमीटर लिखा हो आप उसको सेमी पेरीमीटर लेके सॉल्व कर रहे हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा होता है कि हर वक्त सेमी पेरीमीटर ही आता है इन क्वेश्चंस में राइट right? सो so, आप केयरफुली नहीं देखते हो सो बी वेरी केयरफुल पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर में डिफरेंस है सेमी पेरीमीटर उसका उसका हाफ है यस सेकेंड थिंग इज ये फॉर्मूला इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बट एक्सेप्शनल केसेस में भी हो जाता है वेर यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ कॉर्ड आल्सो आपने देखा आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे आप उन्हें क्लब कर देंगे एड कर देंगे यू विल गेट द एरिया ऑफ कॉर्ड जिनके सिलेबस में से डिलीट हो गया लाइक द सीबीएसई स्टूडेंट्स कोई बात नहीं बाकी जिनमें से नहीं डिलीट हुआ है उनके लिए दिस विल बी हेल्पफुल ठीक है सो बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग आउट द क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट आई डोंट नीड टू से दिस राइट वी हैव got you covered बिकॉज this टाइप के sessions हम यहाँ पे कर रहे हैं अगेन जो हम ये सीरीज लेकर आए हैं सी what is the intent सिर्फ यही कि यू एस इन योर एग्जामिनेशन राइट सो एग्जाम से पहले स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट स्टडी डजेंट मीन कि आप बुक लेकर ही बैठ जाओ राइट करेक्ट तेजू थैंक यू आई थिंक दिस एडवाइस वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट प्लीज इस चीज को सब सीरियसली लो थैंक यू हर्ष ऑल राइट एंड

कम लाइक तो बनता है अगर एंजॉय किया तो सारे क्वेश्चन जो भी आपकी रैंडम क्वेश्चंस आपके पास माइंड में कुछ भी है जो मैं हम सेशंस में शायद एड्रेस नहीं कर पाती हूं यू कैन कम हियर एंड यू कैन डिस्कस विद मी जब भी मैं लाइव आ रही हूं आई आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड होमवर्क पोल क्वेश्चन भी वहां पे शेयर होते हैं अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है आई नो पीडीएफ बहुत हेल्पफुल है सेशन के बाद यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू देम य एंड होमवर्क पोल क्विजेस को आप पार्टिसिपेट करिए यू कैन विन स्पेशल एंड गुडीज फ्रॉम बाई जूज वाओ अगेन यू हैव अ चांस गुडीज विन करने का नेक्स्ट मैराथन कब होगा कौन से चैप्टर पे होगा क्या टाइमिंग कब होगा क्या डे क्या करना है सब्सक्राइब करो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो बेलाइकन को हिट करो सारे नोटिफिकेशन आएंगे यस अगर कोई कोई भी आप सेशन मिस नहीं करना चाहते तो डू दिस एंड यस सब्सक्राइब करना है जो भी न्यू यूजर्स हैं एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड एज मच एज यू कैन अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अपनी सोसाइटी में अपने नेबर्स में आपको लगता है कि सेशंस उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे हे पूर्णा ओके यू जस्ट केम बैक ऑल राइट ऑल राइट सो आईल सी यू सून थैंक यू सो मच बाय बाय